फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक टिप्स एवरी थिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपका अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है डेली बेसिस पर बनाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह जो है अपने मोबाइल के अंदर एक बार किसी भी ऐप को डाउनलोड करें और जो है उसके बाद उसको सारी ज़िंदगी तक आप चला सकते हैं। फ्रेंड देखें, अब हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जैसे यूसी ब्राउज़र या कोई भी ऐप है, तो जब हम कहें तो वो जो है तो उन्हें डिलीट हो जाते हैं और अब हम जो है किसी से हमें शेयर करना पड़ता है उस ऐप को, यानी लेना पड़ता है या फिर हम उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो फिर वो जाकर हमारे मोबाइल में जो है ओपन होता है। तो इस तरह मैं आपको एक हल बता रहा हूँ जिससे आपने एक बार ये ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद फिर आप जो है जब मर्जी उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे रिस्टोर भी करें फिर भी वो कहीं नहीं जाएगी। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऐप APK एक्सट्रैक्टर। तो आपने इसे डाउनलोड करना है, जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये बिल्कुल ऑफलाइन है, इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखें, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं मेरे सामने आ गई हैं, मेरे मोबाइल में जितनी एप्लीकेशंस हैं वो मेरे यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी देखें, मैं कोई भी एप्लीकेशन का अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं जो है अभी मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाना, जैसे ये इंस्टाग्राम की एक एप्लीकेशन है तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये देखें एक्सट्रैक्टिंग क्लिक करूँगा और ये एक्सट्रैक्टिंग शुरू कर देगा। तो फ्रेंड, एक्सटेंड शुरू की इसने, अब इसने इसकी APK बना दी, मतलब कि मैंने डाउनलोड की, मैंने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था और इसकी कोई APK नहीं थी मतलब कि, और अब इसकी जो है APK बन चुकी है। अभी आपने आना है अपनी डिवाइस स्टोरेज में एक्सट्रैक्टेड APK, देखें इसने वो बनाई हुई है। अभी जो है आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं कैंसिल, क्योंकि मैं पहले इंस्टॉल की हुई है। अब जो है आपने सिंपल इसे उठाना है और उठाकर अपने कार्ड में, यानी मेमोरी कार्ड में रख देना है। अब जब आप रिस्टोर करेंगे तो आप जानते हैं कि मेमोरी कार्ड का डेटा जो है रिस्टोर नहीं होता, डिलीट नहीं होता। आप जो है जब रिस्टोर कर लेंगे तो वापस वो मेमोरी कार्ड में जाकर इंस्टॉल कर लें। इस पर लिए आपने एक चीज़ को जो है डाउनलोड किया और एक बार डाउनलोड किया और जब मर्जी इंस्टॉल कर लें। तो मैंने जिस तरह आपको थंबनेल में बताया, टाइटल में बताया, तो मैंने आपको प्रूफ के साथ वीडियो दिखा दी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया यार, हमारी हौसला साबित हो जाती है और हमें कोई इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।